आज हम पहुंचे हैं पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र। इस लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस आखिरी बार 1984 में जीती। 1989 में मेनका गांधी ने जनता दल के टिकट पर यहां से सांसदी हासिल की। 1991 में राम मंदिर की लहर चली तो यहां पर परशुराम गंगवार ने बीजेपी के लिए सीट जीती। 1996 में जनता दल के टिकट पर एक बार फिर मेनका गांधी यहां से सांसद हुई। 98 और 99 के चुनाव मेनका गांधी ने इंडिपेंडेंट के तौर पर जीता। 2004 में मेनका गांधी बीजेपी के साथ आई और ये सीट बीजेपी को मिली। 2009 में वरुण गांधी यहां से सांसद हुए। वहीं 2014 में मोदी की लहर में मेनका गांधी एक बार फिर पीलीभीत से लड़ी और चुनाव जीती। 19 में वरुण गांधी यहां से बीजेपी के टिकट पर सांसद रहे, लेकिन 2024 के समर में बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काट दिया और यहां से अब मैदान में है जितिन प्रसाद। वहीं अगर एसपी और बीएसपी की बात की जाए तो एसपी ने यहां पर गंगवार उम्मीदवार को मैदान में उतारा है तो बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। ऐसे में सवाल है कि यहां पर लोध किसान और सिख किसान बहुतायत में है और इन्हीं मतदाताओं का वोट विजेता तय करता है, तो आखिर जाति गणित में लोध मतदाता और सिख मतदाता किसके साथ हैं? क्या वो एकजुट हैं या बिखराव हो रहा है? इसी सवाल के साथ पीलीभीत के गांव गली कूचों में घूमेंगे और पूछेंगे कि 2024 के समर में यहां पर लोध और सरदार किसके साथ। पीलीभीत में लोध और सरदार किसान अब तक जीत और हार तय करता आया है। 2024 में भी ये समाज जिसके साथ जाएगा, जीत उसी की होगी। पीलीभीत का जातीय समीकरण देखें तो यहां सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, जिसकी संख्या 5 लाख है, जबकि लोध वोटर्स 4,35,000, कुर्मी समाज वाले गंगवार वोटर्स भी 2,15,000 हैं, मौर्य 70,000, पासी 72,000, जाटव 65,000, इसके अलावा बंगाली 50,000, ब्राह्मण 50,000, सिख 45,000 और कश्यप भी 40,000 हैं, जबकि 1,25,000 वोटर्स में भुर्जी, बढ़ई, धोबी, ठाकुर, नाई, यादव, पनिया और कायस्थ। पीलीभीत को यूं ही धान का कटोरा नहीं कहा जाता। जिस तरह से चावल के कुछ एक दानों से इनके पकने का अंदाजा हो जाता है, उसी तरह से यहां वोटर्स के बीच कुछ वक्त बिताओ तो पता लग जाता है कि हवा का रुख किस ओर है। इस वक्त हम पीलीभीत के हिम्मतनगर में हैं। लोध किसानों का ये गांव है और माना जाता है कि लोधी समुदाय के लोग, लोध समाज के लोग यहां बहुत ज्यादा हैं। सर, आपका नाम क्या है? लीला। लीलाधर जी, 24 के चुनाव को कैसे आंकड़े, पिछले 5 साल के कामकाज को कैसे देखते हैं? सब सही है, ऐसा नहीं है, सरकार गलत नहीं है, पार्टी सही है, सरकार भी सही है। थोड़ी सी मजबूरी यही जानवरों वाली सिद्धांत हो जाए, सब ठीक ही ठाक मामला है। तो पीलीभीत में तो जानवर का मतलब ही दूसरा है, आप टाइगर की बात कर रहे हैं या छुट्टा जानवर की? टाइगर की भी बात चल रही है, छुट्टा जानवर, ये सब खेती उजाड़ रहे हैं। इनकी शंका समाधान हो जाए, कोई परेशानी नहीं। कोई काम योजना आया कि नहीं आया, कोई काम हुआ जमीन पे? काम वाम क्या बजा है, कहीं गांव में देखो रोड वोड है, ये भी प्रधान लोग खड़ंजे उड़ंजे डाल ही रहे, कहीं आरसीसी भी मिल जाती है, तो मतलब ऐसी काम की कोई परेशानी नहीं है, सब सही है, ठीक ठाक है मामला। पिछले 20-30 साल में यहाँ से मेनका गांधी और पिछली दो टर्म में वरुण गांधी भी यहाँ से सांसद रहे, अब की बार टिकट बदला गया है, जितिन प्रसाद को दिया गया, उससे कितना फर्क पड़ेगा? अरे फर्क क्या पड़ेगा, हमें तो कैंडिडेट ये एक ही है और कैंडिडेट से हमें कोई लेना देना नहीं, पार्टी हमारी वही है। अच्छा, वोट उसको देना ही देना है। अच्छा, लोध समुदाय बीजेपी को आप कह रहे हो हमारी पार्टी है, तो 100 में से कितने फीसदी बीजेपी के साथ होंगे? अरे सभी हैं, इसमें तो कौन बदलने वाला है, सब ये एक ही बात है। एक ही बात नहीं बदल रहे, तो किसान निधि वाला जो पैसा आ रहा उससे वोट पे फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा सर, थोड़ा बहुत तो असर आना ही चाहिए भाई, जिसका माल खाओगे उसको तो देखना ही पड़ेगा सर। अच्छा, जिसका माल खाओगे उसको देखना पड़ेगा, जितिन प्रसाद उम्मीदवार उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या चुनावी तस्वीर नजर आ रही है 24 की? अच्छी आ रही, ठीक है। काम धाम हुआ, कुछ विकास वगैरह हुआ? हाँ हुआ, क्यों नहीं। किस तरह की योजनाएं गांव में आई, किसी को कोई लाभ मिला? हाँ, शौचालय का लाभ मिला और आवासों का लाभ मिला। अच्छा हाँ, और तो
गलियों का भी, नालियों का भी। गलियों का, नालियों का। अमूमन आप देखोगे कि 5 साल में आप कह रहे हैं कि विकास हुआ। हाँ। अब सवाल ये है कि ये आप मान रहे हो कि आम समाज में, अगर लोध समाज की बात करूं तो कितना फीसदी बीजेपी के साथ, कितना अखिलेश के साथ? बीजेपी के साथ 70%, 70-75। 70-75। हाँ। जैसे इन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ, पीछे नौजवान ने कहा काम नहीं हुए आवाज में आई। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम हरीश कुमार है। हरीश कुमार है, क्या काम नहीं हुआ, किस बात से नाराज है? मेरी लेटरिन भी नहीं आई है और मेरा ना कमरा आया है ना मेरा राशन कार्ड बना हुआ है। अरे घर तो बढ़िया बना हुआ आपका, अपना है हुआ, लेकिन मैं तो अलग हूँ सर। अच्छा, किराए पे है। अच्छा, तो आपको घर की उम्मीद थी? जी, घर की थी उम्मीद, और कमरा भी और राशन कार्ड भी नहीं बना हुआ है मेरा। अच्छा, कोई कागज नहीं? कोई कागज ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं हुआ मेरा। और सारी खेती मेरी खा जाते हैं, साढ़ बिजार। अच्छा, साढ़ बिजार। तो आप वो हो जिसको योजना का लाभ मिला नहीं, खेती लावारिस जानवर खा जाते हैं। तो अब की बार वोट किस तरफ देने की सोच रहे हैं? अब की मैं कमल पे वोट नहीं दूंगा सर। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। कौन सा, बीएसपी दोगे, समाजवादी दोगे, किसको दोगे? अब की कुछ पता नहीं मुझे, किस में डाल दूंगा वोट में। अच्छा, पिछली बार कहाँ दिया था? पिछली बार तो कमल पे दिया था। अच्छा, कह रहे पिछली बार कमल पे दिया था, लेकिन अब की बार तय नहीं है कहाँ दूं। क्या नाम हुआ आपका? राम कैलाश। राम कैलाश जी, आप गांव में क्या विकास देख रहे हैं, 24 के चुनाव की क्या तस्वीर नजर आ रही है? तस्वीर जो भी है सामने है आपकी। हाँ, क्या है? हमें तो पता नहीं ना, हम तो इस इलाके को जानते नहीं, दिल्ली से आए हैं, आप बताओगे क्या है? अभी तो पब्लिक का मूड कुछ और है, जब वोट डालने जाए कुछ और मूड होगा, अभी तो कुछ पता नहीं, कह नहीं सकते क्या। अच्छा, फिलहाल क्या मूड है? फिलहाल क्या मूड अभी बदलेगा? अभी तो कुछ कह नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं होगा। कह नहीं सकते, ये वो बंद मुट्ठी है जो हमेशा विरोध की बात करती है। जब वोट डालने का टाइम आया है तो भोजराज जी ने क्या आकलन किया पिछले 5 साल का? हमने, हाँ, कमल के फूल को वोट दो, फूल को वोट दोगे? हाँ। पिछली बार भी वही दिया था। हाँ। तो कितने फीसदी लोग हैं जो अब की बार कमल को वोट नहीं देंगे? हम तो भाई वोट कमल के फूल को देंगे। अच्छा है, लोध समुदाय में अगर बात की जाए, लोधियों का अपना गाँव है, तो 100 में से कितने लोधी बीजेपी के साथ होंगे? हम अपने वोट की बात कर रहे हैं, हमारे वोट में देखो पिछले साल हमने वोट दो तो हमें कमरों मिलो है। हाँ। सरकारी। हाँ। और देखो लैट्रिनों मिली है। हाँ। और सम्मान निधि पैसों आए रहे हैं। अरे वाह, तो कह रहे कि मुझे 3 योजनाओं का लाभ मिला, मैंने पिछली बार वोट दी थी तो लाभ मिला, तो क्या बाकी लोग जिनको लाभ नहीं मिला वो इस उम्मीद में वोट देंगे कि हमारा नंबर आएगा, या वो कहेंगे कि हमारा नंबर नहीं आया हम वोट नहीं देंगे? आपकी जो है बीजेपी की बनेगी। पीलीभीत से मेनका और वरुण गांधी 8 बार चुनाव जीत चुके हैं, सिर्फ एक बार को छोड़कर हर बार 50% से ज्यादा वोट हासिल किया। वरुण गांधी 2 बार चुनाव जीते लेकिन इस बार बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। ऐसे में वरुण गांधी का टिकट कटने से क्या होगा? जो सिख और लोध वोटर बीजेपी को वोट करता आया है, क्या 2024 में भी वो साथ देगा या कोई नया रास्ता चुनेगा? यह सवाल इसलिए कि 1996 के बाद इस बार चुनावी रण में गांधी नाम नहीं होगा, साथ ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने स्थानीय के बजाय दूसरे जिलों के नेताओं को पीलीभीत में उतारा है। इस वक्त टाहा पोटा गांव में हम पहुंचे हैं। पीलीभीत में एक बड़ी संख्या सिख समाज की भी है जो यहां की किसानी के लिए जाने जाते हैं, धान और गेहूं की उपज करते हैं, वो हमारे साथ हैं। कामकाज का आकलन करते हैं तो कैसे पाते? काम तो मोदी जी के ठीक हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये जानवरों की सबसे ज्यादा दिक्कत है और जानवर बहुत छूटे हुए हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत है जानवर। अच्छा, जो फसल खा जाते हैं वो समस्या है? हाँ जी, हाँ जी, वो समस्या ज्यादा, वो समस्या। हाँ जी, क्या समस्या है? वो यहाँ तो ऐसे छूटते हैं, कभी किसी मोटरसाइकिल में जेड मार देते हैं, कभी किसी में मार देते हैं, ऐसे बहुत। सुनता कोई नहीं, वो कहते हैं हम क्या करें, हमें कोई कहते नहीं, हम क्यों पकड़े। दो तीन फेरा कई प्रधान जी से, प्रधान जी सुनता नहीं हमारा। जानवरों की ज्यादा दिक्कत है यहाँ पर। वरुण गांधी पिछली बार जीते थे, उनसे पहले मेनका गांधी थी, उससे पहले वरुण गांधी थे और पहले बहुत बार मेनका गांधी थी। तो मेनका और वरुण के बाद अब की बार जितिन प्रसाद को लाए, इससे कितना फर्क पड़ेगा? जितिन प्रसाद को तो अब पार्टी के साथ सपोर्ट मिलेगा और बाकी जनता जैसे चाहेगी वैसे मिलेगा उसे। वरुण के वोट ना मिलने, टिकट ना मिलने से फर्क पड़ेगा कुछ? अब नहीं, इतना तो नहीं फर्क पड़ेगा, सब पार्टी को जाते हैं, ऐसी बात नहीं, पार्टी को जाते। बीजेपी ने इस बार वरुण गांधी की जगह पर शाहजहांपुर के रहने वाले जितिन प्रसाद को मौका दिया है, तो समाजवादी पार्टी ने बरेली के भगवत शरण गंगवार को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीएसपी ने पूर्व मंत्री अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू को टिकट देकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है।
पीलीभीत के वोटरों के बीच इस बार सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है, आप भी सुनिए। इस वक्त हम टाहा गांव में हैं, यहां लोध समुदाय बड़ी संख्या में है, इसके अलावा कुछ सिख समाज भी इस गांव में है। बात कर लेते हैं यहां के स्थानीय लोगों से। सर आपका नाम क्या हुआ? नथुलाल जी। नथुलाल, नथुलाल जी आप 24 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? सही है। किस पार्टी का दबदबा लग रहा लोध समाज में? कमल का फूल। कमल का फूल, तो कब से लोध समाज कमल के साथ है, कमल के फूल के साथ? अरे कम से कम 10 साल है जी जाको। 10 साल है कमल फूल को। अच्छा, तो मुख्यमंत्री हुए थे लोध समुदाय के, उसके उस जमाने में आए थे? जब से वरुण गांधी मेनका चल रही कमल फूल तब से। लेकिन अब की बार वरुण गांधी और मेनका नहीं, अब की बार जितिन प्रसाद है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क ना है, पर बात एक है, मोदी जाना है। मोदी आना है? मोदी के ऊपर वोट दे रहा हूँ सब आदमी। मोदी के ऊपर वोट दे रहा है? और का, मंत्री साहब वर्मा जी के ऊपर वोट दे रहा हूँ सब। अच्छा, तो मोदी के नाम पे क्यों फिदाओ रखी जनता? मोदी क्या खास है? राजमंत्री ना है भैया, वो पूरे भारत को राजमंत्री जो सपा में थे अब बीजेपी आए, वो समझ में आ रहा है, लेकिन मोदी के नाम में क्या बात है? मोदी नाम में क्यों ना है, बात राजा है पूरी पृथ्वी का मालिक, अगर पृथ्वी ना हो तो चला पा भाई वो, अच्छाई बुराई सब देख रहे हो। अच्छा, सब अच्छाई बुराई देख रहे हैं। तो बीजेपी ने भी पीलीभीत के आदमी को नहीं दिया, समाजवादी ने भी बरेली के आदमी को दिया। नेताजी जब बताओ कि जिला वाले को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, आप बताओ। हाँ देना चाहिए, उन्हें नहीं देना चाहिए, लेकिन बाहर के आदमी हैं, जितने लड़ रहे हैं अलग तक बाहर के हैं, पीलीभीत जिला का है कोई? तो फिर अब पीलीभीत का तो कोई नहीं है ना, तो वर्मा जी हैं जो तो बरेली से, तो वो मोदी चक्कर में फिल्टी बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो कोई भी होता, वर्मा जी होते या बाबा जी होते, दोनों से किसी को दे देते, ठीक है। शाहजहांपुर वालों को टिकट दिया, इससे तो थोड़ी अफसोस तो आता है। शाहजहांपुरों को टिकट दिया, समाजवादी पार्टी से भी शिकायत है और बीजेपी से भी शिकायत है, लेकिन कह रहे हैं कि अब वोट तो बीजेपी को ही देना है। बाहर जिले का अगर मतलब जो है इलेक्शन यहाँ जीत के जाए, कभी देखने आए? वरुण गांधी कम से कम 15-20 साल करा उनने, वो देखने नहीं आए, आई समझ क्या देखने आए? जीतते और चले जाते। हाँ आई समझ। और यहाँ पीलीभीत जिला का कोई आज तक सांसद नहीं बना। अच्छा, लोगों हाँ? नाराजगी ये बात है कि पीलीभीत से कोई सांसद नहीं बना। पीलीभीत ऐसी लोकसभा सीट है जहाँ आज तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुला है, लेकिन 2012 में लोकसभा में आने वाली 5 विधानसभा सीटों में सपा के पास 4 सीटें थी, लेकिन 2017 में खाता भी नहीं खुला। हालांकि 2022 में पीलीभीत लोकसभा सीट में आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से सपा ने बेहरी सीट जीती, जबकि 4 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। पीलीभीत का लोध वोटर राम मंदिर और मोदी सरकार की बेनिफिशियरी स्कीम को प्राथमिकता दे रहा है। कहाँ तक पढ़े हैं, क्या करते हैं? मैं सर बीकॉम किया हूँ। बीकॉम किया हूँ जी। तो अब अगर चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो क्या तस्वीर आपको नजर आ रही है? चुनाव सर इस बार ऐसा लग रहा है कि वोट नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। जब 2017 में मैंने बीकॉम कंप्लीट किया, तब से बेरोजगारी तो हुई है। उसके बाद यहाँ पे तो रोजगार कहीं भी नहीं मिल रहा है, यहाँ से जाके मुझे आंध्रा जाके काम करना पड़ता है। अच्छा, तो इसी चक्कर में मुझे वोट देने का कोई इच्छा ही नहीं है। अब ये तो हुई आपकी निजी बात, आप कह रहे हो कि बेरोजगारी की वजह से आप नाराज है, वोट नहीं देना चाहते। आसपास अपने समाज में देखते हैं तो आपको क्या तस्वीर लग रही है, किसका पलड़ा भारी है, कौन मजबूर? सर मजबूरी के वजह से तो ये बीजेपी का ही आएगा सरकार, तो हम जानते ही है। अच्छा, जानते हैं आप? हाँ जी, बीजेपी का आएगा, बीजेपी का ही दिख रहा है, दिख रहा है। ये ज्यादातर लोग बता रहे हैं छुट्टा जानवरों की समस्या, गौशाला बनी है उनकी हकीकत आप बता रहे थे, क्या हाल है वहाँ साहब? वहाँ तो बहुत बुरा हाल है अपना गौशाला में ना, वो गौशाला बनाई तो गौशाला है, लेकिन जब उनकी देखभाल नहीं तो क्या हो गया, मर्गशाला बन गई। भाई उनकी देखभाल होगी तो ठीक है, ना थी ना देखभाल होगी, उनकी रोटी पानी उनका कुछ चारा पट्टा उनका लाज वगैरह ना ही होगा सही से, वहाँ देखभाल नहीं होगी क्या बनेगा उस चीज़ को, क्या कहोगे मर्गशाला कहोगे गौशाला कहोगे? भाई जब जानवर हम वहाँ मतलब कि उनकी देखभाल नहीं हो रही, जब पैसा मोदी जी भेजते हैं वो खर्चा भेजते हैं, यहाँ कोई खा जाते हैं तो मतलब उसको देखता ही नहीं कोई आके कि वहाँ जहाँ जब जिसके लिए पैसा भेज रहे हैं वो वहाँ लग रहा है कि नहीं, वहाँ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पहुँचने पहुँच तो रहा ही है, पैसा तो पहुँचता है लेकिन वो खा जाते हैं, उनका जानवरों का पैसा खा जाते हैं लोग। जब जानवरों का पैसा खा जाएंगे तो जानवर क्या हालत होगी बताइए मुझे, किसी को दिखाने के कहने सुनने की बात नहीं, खुद जाके मौके पर देख लें कि क्या कंडीशन है जानवरों की, किसी के पूछने की जरूरत नहीं है, जानवर को तो जानवर खुद बता देगा कि क्या कंडीशन है। भाई वो तो
किसी आदमी को रखोगे। ये इस बात में तो सहमति है सब में कि यहाँ छुट्टा जानवर एक बड़ी समस्या है। किस बात पे बीजेपी पे फिदा रखे हैं लोग? अरे बीजेपी से कोई फायदा का बाबू, ये हिंदू और मुस्लिम जो पहले चली आ रही उस जरिया से चल रहा है, क्योंकि जो मुसलमान पहले ज्यादा दबाव थे। अच्छा। हाँ, अब ये अपने जगह पे पहुंच गए हैं कि जो नीचे बज कर रहा था ना, जो बहुत तेज बोलत रहे। अच्छा, तेज बोलते थे, अब जवान नीची हो गई, नीची है, हो गई, कोई चिल्लाता नहीं है, दबाव नहीं बनाता है। इस बात पे, इस बात पे। अच्छा, योजनाओं का क्या असर रहा? कोई जमीन पे जो योजनाएं हैं, मोदी जी कहते हैं कि ये योजना, ये योजना, ये योजना, कोई जमीन पे उतर रही है? ना जमीन उतर रही है, ना कोई योजना मिल रही है, खाली नहीं मिली योजना ना। किसान निधि नहीं मिल रही आपको? बात तो मिली है, रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हम तो कहा बहुत बहुत हटा दो, हटा दो। अच्छा, मान लीजिए किसान निधि मिल रही है, उसका कोई फायदा नहीं, उसको हटा दो, बच्चे को सब जानवर खाए जा रहे हैं। अच्छा, जानवरों की समस्या है, बहुत तगड़ी, बहुत तगड़ी समस्या, बहुत तगड़ी समस्या है। तो आप दोनों नाराज हैं? ना, वोट तो हुई जाने, वरना मोंडी वाली वोट तो कमल के फूल जाने हमराग जरिया से। ये कैसी नाराजगी हुई कि वोट जाएगा कमल के फूल पे ही? क्या करना है, जितनी समस्या कहनी पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। युवाओं में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन यहाँ ध्रुवीकरण दूसरे इश्यूज पर हावी पड़ रहा है। इस वक्त हम वनकटी गांव में पहुंचे हैं। यहाँ दुकान जरूर बंद है, लेकिन लोग बैठे हुए हैं, चर्चा चल रही है। भाई, आपका नाम क्या हुआ? घनश्याम। घनश्याम जी, 24 के चुनाव में किसका पलड़ा भारी? मतलब बीजेपी का। बीजेपी का। तो हम यहाँ घूम रहे हैं, लोध समाज बीजेपी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है, क्यों दिखाई देता है लोध समाज बीजेपी के साथ? अरे पार्टी नाते दे रहे हैं और क्या, पार्टी के नाते, बीजेपी के नाते से, बीजेपी के नाते से। कैंडिडेट से कोई शिकायत नहीं? हमें कोई शिकायत नहीं। तो यहाँ वरुण गांधी का टिकट होता था पहले, मेनका गांधी लड़ती थी, अब की बार टिकट काट दिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे हमें कोई फर्क नहीं, हमारे पार्टी में तो हैं जितिन कुमार। जितिन कुमार को सपोर्ट करेंगे हम लोग पार्टी जी। आप स्थानीय उम्मीदवार का जिक्र कर रहे थे मुझसे अभी, वो क्या इक्वेशन है, किससे उम्मीद थी आपको, किसको टिकट मिले? वर्मा जी को होने था, ये सोचा था पहले। अच्छा, जो समाजवादी से बीजेपी में आए थे जी, आपको लग रहा था उनको मिलता? तो अगर वर्मा जी को टिकट मिलता तो क्या तस्वीर होती, और जितिन प्रसाद को टिकट मिली तो क्या तस्वीर? तस्वीर कुछ नहीं, ये मतलब कि थोड़ा सा जोर करना पड़ रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है। अच्छा, तो आप कह रहे थे मोदी जी भी इसी वजह से आए जी? जी, अगर वर्मा का टिकट होता तो जोर नहीं लगाना पड़ता? जोर नहीं करना पड़ता, आने क्या उनका भाई शासन है, फिर शासन भी नहीं आ सकते हर समय। अच्छा, बीजेपी और सपा के प्रत्याशी बाहरी है, बीजेपी से वरुण गांधी मैदान में नहीं है, ऐसे में क्या लोध और सिख समाज बीजेपी का साथ फिर देगा या वोट बटेगा? पीलीभीत के जराकोठी इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। पीलीभीत में सिख समाज बड़ी संख्या में है, और कहा जाता है सिख हार और जीत का फैसला कर सकते हैं। हम एक बीज की दुकान पर पहुंचे हैं, किसानी, एक गाना आया था कि किसानी सानू बख्शी गुरु जी ने, तो सिख समाज किसानी से जुड़ा हुआ समाज है, खाद बीज की दुकान पे पहुंचा है, चुनावी चर्चा यहीं हो जाए। तो सरदार जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहन सिंह है। मोहन सिंह जी, 2024 के चुनाव में क्या तस्वीर नजर आ रही है यहाँ पीलीभीत के सिख किसान, क्या सोच रहे हैं? अभी तक तो ये पूरा वोट मेनका गांधी का था। हाँ जी, वरुण गांधी मेनका गांधी था। हाँ जी। अब वो वोट कहाँ ट्रांसफर होता है, बात की बात है। अच्छा, वरुण गांधी को टिकट कटा है तो अब की बार वोट ट्रांसफर होगा लग रहा है आपको? अब वरुण गांधी तो नहीं लड़ रहे, कहीं ना कहीं तो जाएगा वोट, तो वोट तो कहीं ना कहीं जाएगा। तो आप कह रहे हो कि सिख समाज वरुण गांधी का चेहरा देख के वोट देता था? हाँ। कमल का निशान नहीं? कमल का निशान नहीं, कमल का निशान नहीं। सदा जी, 5 साल के कामकाज को कैसे आंक रहे हो? यहाँ तो खेती वाला समाज है, बीज की दुकान पे बैठे हैं, कोई योजना वोजना पहुंची जो किसानों को पैसे दे रहे हैं? कोई योजना नहीं पहुंची अभी तक, कोई योजना नहीं पहुंची। तो पिछले 5 साल का काम क्या नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं, वैसे ही जैसे पहले था वैसे ही अब चल रहा है। हाँ। कोई तरक्की वाली बात तो है नहीं, तरक्की वाली बात नहीं है। तो नाराजगी है मौजूदा सरकार से? हाँ जी। तो किसकी तरफ पलड़ा भारी लग रहा है, इंडिया गठबंधन है, एक बीएसपी है, कौन मजबूत लग रहा है? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, 2-4 दिन में पता लग जाएगा। 2-4 दिन में पता लग जाएगा, तो संकेत वरुण गांधी की तरफ से आएगा कि समाज तय करेगा? देखो, नहीं वो तो संकेत नहीं देंगे किसी को, वो तो अपनी मर्जी है, वो थोड़ी संकेत देंगे, जब वो नहीं लड़ रहे उनका क्या मतलब बेचारों का भी। तो सिख समाज की अगर हम बात करें तो सिख समाज में क्या सोच है? सिख समाज अगर मैं कहूं, मैं तो जानता नहीं सबको, 100 में से कितने फीसदी सिख
बीजेपी के साथ, कितने फीसदी सिख समाजवादी के साथ या बीएसपी के साथ? अभी तो देखिए ये तो अभी टाइम है ना, अभी टाइम है। वैसे ये वरुण गांधी का वोट रहा पार्लियामेंट का, और सिख वोट समाजवादी पार्टी का रहा है विधानसभा का, ये पक्का रहा है विधानसभा का समाजवादी पार्टी में, और पार्लियामेंट में सब लोग जो है मेनका गांधी के साथ रहते थे। और अभी जो है क्या तय करते हैं लोग तय क्या करते हैं, बड़ा अच्छा इन्होंने खोल के बताया है, अच्छा लगा मुझे, स्पष्ट बताया है। सिद्धार्थ जी क्या नाम हुआ आपका? सिद्धार्थ साहब मैं जानना चाह रहा हूँ क्या तस्वीर नजर आ रही है, सिख समाज क्या सोच रहा है? अब जो बताया उन्होंने वही सोच रहा है, अभी तय नहीं किया सिख समाज, तो इसका मतलब जो तय नहीं किया तो हम ये बात समझ में आ रहे हैं कि वरुण गांधी का टिकट कट गया, तय किया नहीं है तो विरोध में वोट है, इतना तो हम समझ रहे हैं।